चलिए, इस सेशन में हम लोग ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के कॉमन टॉपिक्स खत्म कर देंगे। जो कॉमन टॉपिक्स है वो हम लोग खत्म कर देंगे, इसके जितने खत्म हो गए अब उतने खत्म होंगे। ऐसे तो मैंने सोचा था कि यही मतलब हम लोगों ने 15 15 घंटे का कोर्स हम लोगों ने प्लान किया था कि 15 आवर्स में हम सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं भी कोशिश करूंगा, पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, फिर डिफरेंट एंटिटीज और 700 सीरीज, कोशिश करूंगा जितना होगा उतना होगा। 1.5 घंटे का हमारा स्लॉट है, 1.5 घंटे के स्लॉट में जितना होगा मैक्सिमम चीजें मैं कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगला सेशन आज ही रहेगा, 7:30 बजे अगला सेशन रहेगा। लेकिन इस सेशन में ये जो ये एक्स्ट्रा सेशन है, एक्चुअली ये प्लान में नहीं था। कैसे तो भी टाइम मैनेज करके, क्योंकि मेरी बाकी लाइव क्लासेस भी चल रही है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैनेज करके मैंने टाइम निकाला है। बाकी लाइव क्लासेस थोड़ा मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, आज मेरे जो टीचिंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 9 घंटे के भी, मतलब 9 10 घंटे के ऊपर भी जा सकते हैं। तो भी मैंने वो थोड़ा सा मैंने प्लान कर लिया है। तो वो जो आखिरी सेशन रहेगा सिर्फ वो न्यू कोर्स वालों के लिए रहेगा, इट विल बी फॉर न्यू कोर्स स्टूडेंट्स। न्यू कोर्स के जो चैप्टर्स है उसके लिए, ओल्ड कोर्स के लिए अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, सीए रवि टावरी, ठीक है, सीए रवि टावरी, आप अगर ईडीपी, ठीक है, सीए रवि टावरी, और अगर आईपीसीसी ईडीपी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और नोट्स तो मैं दे ही चुका हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, वो पढ़ सकते हो। तो ओल्ड कोर्स के जो कुछ चैप्टर है दैट यू कैन स्टडी, और ओल्ड कोर्स के कुछ चैप्टर इस क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं है, ईडीपी कवर्ड नहीं है, वाउचिंग वेरिफिकेशन कवर्ड नहीं है, आउट ऑफ शेयर कैपिटल कवर्ड नहीं है। ये आप प्रैक्टिस मैनुअल से कर सकते हैं, यू कैन कवर दीज टॉपिक्स फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल। ठीक है, कुछ एसेस भी है वो भी प्रैक्टिस मैनुअल से आप कर सकते हैं। हमारी एक पीएम एनालिसिस शीट है, आप यूट्यूब पे जाइए, सीए रवि टावरी पीएम एनालिसिस शीट डालिए, तो पीएम एनालिसिस शीट क्या है, कैसे उसको यूज करना, वो भी। तो ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए एडवाइस है, ये सेशन के ये आपका आखिरी सेशन रहेगा, अगला सेशन आपके लिए नहीं है। आप यूट्यूब से ईडीपी का लेक्चर कर लीजिए, ईडीपी का जो लेक्चर है वो कर लीजिए, आप पीएम एनालिसिस शीट के बारे में जान लीजिए, वहां से बचे हुए टॉपिक आप कवर करिए, आपकी जो भी ऑडिट की तैयारी है प्लस ये क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए। मैं सोच रहा हूं कि इस बार की जो आरटीपी है, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स की आरटीपी लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग सेम है, तो वो आरटीपी भी मैं आप लोगों को करवाऊँ, आरटीपी मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, ऐसा मेरा प्लान है। तो YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब रहिए, आपको पता चलेगा कि कब मैं वो RTP करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बार के RTP में मुझे नए क्वेश्चंस दिखे हैं कुछ, तो इसलिए मैं आई एम इंटरेस्टेड कि मैं उसको करवाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वी गो टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स सबसे पहला है, व्हाट इज दी, ये हम पढ़कर आए, व्हाट इज द पर्पस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन बोलो, पर्पस बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, एक ही है। दोस चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट, इन लोगों ने मिलकर जो सिस्टम्स, इन लोगों ने मिलकर जो रूल्स, ठीक है, जो रूल्स बनाए हैं, जो सिस्टम्स बनाई हैं, जो प्रोसीजर्स बनाई हैं, ठीक है, टू इंश्योर कि सब कंपनी की सबसे इंट कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ रहे, दैट इज एसेट्स, सेफगार्डिंग एसेट्स, एसेट्स को सब किसी भी एंटिटी के लिए सबसे ले सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सेफगार्ड करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए आपने जो बनाया है, ठीक है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आता है। ठीक है, आपने उसको लॉक एंड क्यू में रखा है, सेफ सिक्योर रखा है, ऑथराइज लोग ये एक्सेस कर सकते हैं,
रेगुलर उसके रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन कर, रेगुलर स्टॉक की टेकिंग, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एसेट्स को यूज करके ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस एफिशिएंट और इफेक्टिव होने चाहिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव होने चाहिए, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ट्रांजेक्शन करते वक्त सबसे पहले लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए, सारी परमिशन, सारे लाइसेंसेस लेने चाहिए, सारे परमिशंस लेने चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए और टैक्सेस पे करना चाहिए, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और ट्रांजेक्शन होने के बाद जब बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन जब होते हैं तो साथ साथ में बहुत अच्छी अकाउंटिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलायबल बनने चाहिए, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो बहुत आसान है, दो चार्जेस, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और कंपनी के एम्प्लॉयज ने मिलकर जो रूल्स बनाए हैं, जो रूल्स जो सिस्टम्स रूल्स प्रोसीजर्स बनाए हैं टू इंश्योर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एसेट सेफगार्ड रहे, उनको यूज करके जो ट्रांजैक्शन है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव रहे, ट्रांजैक्शन करते वक्त लॉ रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो, ठीक है, लॉ एक्ट लॉ रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस हो, और ट्रांजैक्शन की साथ साथ में अच्छी अकाउंटिंग हो, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, ठीक है। इसके लिए जो भी सिस्टम्स तैयार किए उसको हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बोलते हैं। ऑडिट के लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं। मई 19 की आरटीपी में था। नाउ कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। मैं कंट्रोल एनवायरनमेंट से पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट से पहले, ठीक है, मैं कंपोनेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे ज्यादा बेस में होता है आपका देखिए, मुझे पिरामिड बनाना था, पिरामिड बनाना था, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस में कंट्रोल एनवायरनमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट दोस्त, इनका क्या एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, इनका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या ये सिस्टम्स को लेके बहुत ज्यादा, क्या सिस्टम्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग सिस्टम को, इनकी एबिलिटी क्या एडिक्वेट लोग है क्या इनके पास सिस्टम के लिए, इन लोगों का एटीट्यूड क्या है, इनकी एबिलिटी क्या है, अवेयरनेस क्या है, कितना पता है इनको सिस्टम के बारे में, क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट। बहुत आसान शब्दों में, दोषचार्जित गवर्नेंस, मैनेजमेंट कितने सीरियस है, कितने सीरियस है, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, उसको बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस है, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है सिस्टम्स के प्रति, अच्छे लोग हैं इनके पास में, पता भी है सिस्टम्स कैसे है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको इंसेंटिव देते हैं, जो नहीं करते उनको पनिश करते हैं, इसको बोलते हैं वेरी गुड कंट्रोल एनवायरमेंट। ऐसे कंट्रोल एनवायरमेंट में एक एक लाइन जो लिखी जाती है उसको फॉलो किया जाता है, एक एक फ्लो चार्ट जो बनता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट्स अ वेरी गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट जरूरी है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सक्सेसफुल होना है तो,
सबसे बड़ा कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अगर पढ़ाई को सक्सेसफुल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? स्टडी एनवायरनमेंट, यहां पे पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है। ठीक है, नाउ अब कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसके बाद एंटिटी को पता होना चाहिए कि उनके कंपनी में कहां कहां पे गलती हो सकती है। परचेस में गलती हो सकती है, प्रोडक्शन में गलती हो सकती है, सेल्स में गलती हो सकती है, एडवर्टीजमेंट में गलती हो सकती है, कहां पे गलती हो सकती है। उनका इंटरनल खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होना चाहिए, कहां पे गलती हो सकती है, बड़ी रिस्क कहां पे हो सकती है। ठीक है, वो रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्हें कंट्रोल एक्टिविटीज बनानी चाहिए। बनाना मतलब ही होता है डिजाइन करना। जैसे परचेस में रिस्क है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा दो, चार लोग के हाथ, चार लोग के पास ये कंट्रोल को बांट दो। जब चार लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो एक का काम अपने आप 3 बार चेक होगा, एक बंदे का काम बाकी 3 लोग चेक करेंगे अपने आप। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा दीजिए, ऑथराइजेशन, ये कंट्रोल एक्टिविटीज, सेग्रीगेट कर देना, ऑथराइजेशन लगा दीजिए, परमिशंस लगा दीजिए, हर चीज के रिकॉर्ड बनवा दीजिए, रेगुलर रिपोर्ट बननी चाहिए उसकी, वो बना दीजिए। ऐसा करने से परचेस पे पूरी नजर रहेगी, परचेस में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पता चलेगा, देयर इज कंट्रोल एक्टिविटी। चीजें कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, तो मॉनिटरिंग करिए, स्टडी करते रहिए, इंटरनल ऑडिट करवाते रहिए कि कहां पे सिस्टम्स को चेंज करना है, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर ये सारे कंपोनेंट अच्छे से, इन सबको सपोर्ट करने के लिए, ये सभी इसमें अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते, तो इनके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। ये इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। किसी भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को समझना है कैसे है, तो पहले उसके एनवायरमेंट को समझो, उसके रिस्क असेसमेंट को समझो, रिस्क को कॉम्पनसेट करने के कंट्रोल्स को समझो, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग को समझो, और इन सब के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन कहाँ जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझो। ये सारे कंपोनेंट्स अगर अच्छे हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट्स, ये एक्चुअली दीज आर कंपोनेंट्स, एक्स्ट्रा है ये, मतलब इस क्वेश्चन का उस एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसमें एक कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट है, उसमें एक कंपोनेंट है हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, और मैंने बोला कि कंट्रोल एनवायरनमेंट, व्हाट इज दी इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये डेफिनेटली एक कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसमें आता क्या है, एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन, एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे। अब अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, पहले हमने देखा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, उसमें एक कंपोनेंट निकला कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट को अच्छा करना है तो उसके एलिमेंट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले टॉप पे एक अच्छा टीसीडब्ल्यूजी होना चाहिए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एक अच्छा टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, नॉलेजेबल, एक बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट टीसीडब्ल्यूजी होना चाहिए। न्यूट्रल, निष्पक्ष लोग ऊपर बैठे होने चाहिए जो सबका ख्याल करे। ठीक है, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट टीसीडब्ल्यूजी होना चाहिए, जिसने कीन इंटरेस्ट, उसने काफी इंटरेस्ट लेना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है,
मैनेजमेंट से सवाल पूछने चाहिए, आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहीं ये डिसीजन सही तो बराबर सही तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। टफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, मैनेजमेंट से सवाल जवाब करना, इन्वॉल्व होना, सवाल जवाब करना, सब बराबर चल रहा है ना, ताकि मैनेजमेंट के मन में भी डर रहे कि हमको देखने वाला कोई है। सबसे ऊपर टीसीडब्ल्यू जी के, टीसीडब्ल्यू जी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए जो जो समझता है कि हर डिसीजन में बिजनेस रिस्क होते हैं, जो समझता है, इंपॉर्टेंस देता है दैट देर इज बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क होते हैं, सोच समझ के कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, हम लोगों ने बिजनेस के सोच समझ के कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से बिजनेस के डिसीजंस हमने लेने चाहिए। बिजनेस तो करना चाहिए, साथ में अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट है ना, एडिक्वेट स्टाफ है ना, बराबर वो काम कर रहे हैं ना, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको देना चाहिए, और उनके काम में ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा मैनेजमेंट भी चाहिए जो अच्छे डिसीजन लेने वाला है, बिजनेस इसको मैनेज करके चलने वाला है, और अकाउंटिंग को पूरा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट सुधारना है, ठीक है, पहले टीसीडब्ल्यू जी अच्छा चाहिए, फिर मैनेजमेंट, फिर इनके पास में ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, देर शुड बी एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स, एडिक्वेट एडिक्वेट नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, एडिक्वेट लोग है, सही सही स्किल सेट्स वाले लोग है, एडिक्वेट लोग है, सही स्किल सेट्स वाले लोग है, बराबर, ठीक है, उनके कॉम्पिटेंस को ध्यान में रख के, उनके कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए, उनके कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए, उनके कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए उनको काम देना चाहिए, एडिक्वेट लोग होने चाहिए, कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनको काम देना चाहिए, फिर करेक्ट, ये सभी एम्प्लॉयज को काम देने के बाद में आपस में कनेक्ट करना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कितने लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, वो आगे किसको रिपोर्ट करेगा, इनको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देना चाहिए, काम करने के लिए अथॉरिटी, काम करने के लिए वापस इनको अथॉरिटी देनी चाहिए, अगर जिम्मेदारी दी है तो उसके लिए पावर्स तो देने ही पड़ेंगे ना काम निभाने के लिए। देखो बहुत आसान, एक अच्छा टीसीडब्ल्यू जी, एक अच्छा टीसीडब्ल्यू जी होना चाहिए, उसके नीचे एक अच्छा मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए जिस, ठीक है, कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम देना चाहिए, आपस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज क्या होते हैं, एथिकल वैल्यूज क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, फॉलो करोगे तो क्या फायदा होगा, नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, और सेटिस्फैक्ट्री, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो अलग से आंसर में भी आता है। तो ये एलिमेंट्स थे, यहां तक के एलिमेंट्स थे, यहां तक के आपके पूरे एलिमेंट्स थे, ये पूरे आपके एलिमेंट्स थे, ये अब अलग से बात की है। अगर हमने बोला कि एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, दिस इज अ वेरी गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट, सब लोग बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए, देर इज गुड एटीट्यूड, अवेयरनेस है उसके बारे में, गुड एटीट्यूड, ठीक है, इस चीज के लिए अवेयरनेस है, एबिलिटी भी है इनके पास में, एक्शन भी लेते, चलो ठीक है, फॉलो करने वालों को रिवॉर्ड करते, पनिश करते, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, लेकिन सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट से कंपनी में होने वाले फ्रॉड्स और एरर्स को रोक नहीं सकते, सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट से बात नहीं बनेगी, ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स भी लगेंगे, वी विल नीड अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो, रिस्क असेसमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए, यू नीड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो, मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट अलोन इज नॉट सफिशियंट टू स्टॉप द फ्रॉड्स एंड एरर्स, आपको बाकी कॉम्पोनेंट्स भी चाहिए, वैसे ही सिर्फ बाकी कॉम्पोनेंट्स है, कंट्रोल एनवायरमेंट वीक है तो भी बात नहीं चलेगी, बाकी कॉम्पोनेंट्स को कंट्रोल एनवायरमेंट लगता है, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहा तभी कंट्रोल सिस्टम्स बराबर काम कर पाएंगे,
कंट्रोल एनवायरनमेंट भी जरूरी है, बाकी कंपोनेंट्स भी जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहा तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, यही बात समझाई है। ICS.05 में, ठीक है, May 16 RTP, May 17 RTP, May 17 एग्जाम्स, May 18 RTP, May 19 RTP, यही बात समझाई है। कंट्रोल एनवायरनमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स। फिर इंटरनल कंट्रोल्स की हम लोगों ने बात की, कंट्रोल्स मतलब क्या समझा हम लोग, कंट्रोल्स मतलब क्या है वो हम लोगों ने समझा, कंट्रोल्स मतलब क्या है वो हमने समझा। आईटी के कंपोनेंट्स, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल से कंपोनेंट समझा, कंट्रोल एनवायरनमेंट समझा, उसको कैसे स्ट्रांग बना वो भी समझा हम। अब कंट्रोल्स में आजकल कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ता आ रहा है, कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है एक्चुअली, बहुत ज्यादा है, ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, द लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ऑटोमेशन कंप्यूटर के मदद से बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, लेकिन कुछ नई तरह के प्रॉब्लम्स, नए तरह के प्रॉब्लम्स है, नए तरह के रिस्क निकल के आ रहे हैं, नए तरह के प्रॉब्लम्स और नए तरह के रिस्क हमारे निकल के आ रहे हैं। क्या है ये रिस्क? ठीक है, लेट्स सी, क्या है ये रिस्क, क्या रिस्क है ये? तो इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने एक फ्लो बनाया कि किसी भी आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पहले आईटी के लोग आते हैं तो उससे रिलेटेड एक रिस्क है, फिर डेटा आता है, डेटा से रिलेटेड रिस्क है, फिर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसेस से रिलेटेड रिस्क है, फिर सिस्टम के चेंजेस होते रहते हैं, उससे चेंजेस से रिलेटेड रिस्क है। तो मैंने ऐसे ही बांटा है, देखो बहुत सारे पॉइंट्स हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको सेग्री उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको सेग्रीगेट करना, उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, तो फिर उसको याद रखने में बहुत आसानी जाती है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले है आईटी पर्सन, आईटी एनवायरनमेंट में जो आईटी पर्सन है, आईटी डिपार्टमेंट को संभालने वाले जो लोग हैं, आईटी पर्सन संभालने वाले जो लोग हैं, दे हैव बिकम वेरी पावरफुल, वो लोग बहुत पावरफुल बन चुके हैं, दे हैव बिकम वेरी पावरफुल, दे गॉट मेनी एक्सेसेस, बहुत सारे उनको कंपनी के सभी अलग अलग इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन का उनको एक्सेस होता है, वो बहुत पावरफुल बन चुके हैं, उनको कंपनी के सभी अलग अलग चीजों का इंफॉर्मेशन होता है, उनको परचेस का इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन है, सेल्स का इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन है, लीगल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के उनके पास में सोर्स है। ठीक है, ये अपने पावर्स को हो सकता है मिसयूज करे, दैट इज अ रिस्क। ठीक है, बहुत सारे प्रिविलेजेस बहुत है, देयर इज अ रिस्क दैट वो अपने पावर्स को मिस यूज करें, देयर इज अ रिस्क दैट दे मिस यूज द पावर। ठीक है, तो आईटी पर्सन से रिलेटेड एक रिस्क है। फिर डेटा आता है, करेक्ट, प्रोसेसिंग के लिए कि डेटा आता है, प्रोसेसिंग के बाद का डेटा होता है, डेटा में क्या रिस्क है? रिस्क है साहब डेटा में, रिस्क है कि भाई कोई हैकर डेटा को, ठीक है, कोई हैकर डेटा को डिलीट ना कर दे, पूरा डिलीट ही कर दिया, कोई हैकर डेटा को डिलीट ना कर दे, देयर इज अ रिस्क दैट अनऑथराइज एक्सेस होगा, हैकर आएगा और पूरा डेटा डिलीट कर देगा, भाई हालत ही टाइट होगी। ठीक है, या फिर कोई हैकर आएगा जो ट्रांजैक्शंस ऑथराइज नहीं थे उसको ऑथराइज करके इंक्लूड कर लेगा ऑफिशियल डेटा में,
हैकर्स खुद ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज कर देंगे और सिस्टम में लेके आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है डेटा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करके लेके आ जाए, या फिर फेक ट्रांजैक्शंस को डेटा में, ठीक है, इंसर्ट कर दे, डेटा में इंक्लूड कर ले, फेक ट्रांजैक्शंस, ऐसे सेल परचेस हुए ही नहीं, या फिर आखिरी में, ठीक है, डेटा लीक कर दे पोटेंशियल, ठीक है, डेटा को लीक कर दे, डेटा को लीक कर दिया है, डेटा लीक कर दिया है, या फिर अगर डेटा वापस चाहिए तो पहले पैसे दो, रैंसमवेयर, ऐसा कुछ है, ये रिस्क आ गए, नए नए रिस्क हो गए। तो नया नया रिस्क हो सकता है पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए, सबसे खतरनाक। हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर दिया जाए, हो सकता है कि फेक ट्रांजेक्शन को इंक्लूड कर दे, या तो आखिरी में हो सकता है डेटा लीक हो जाए, देयर इज अ लीक ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, ठीक है, या फिर लॉक हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले लोग आईटी पर्सन आते हैं तो उनके उनसे रिलेटेड रिस्क, फिर डेटा आता है तो डेटा से रिलेटेड रिस्क, फिर प्रोसेसिंग होती है, हो सकता है मैनुअल इंटरवेंशन हो, मैनुअल इंटरवेंशन हो सकता है, मैनुअल इंटरवेंशन मतलब ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग में जानबूझकर प्रोसेसिंग को रोक करके मैनुअल एंट्रीज लगा करके मैनिपुलेशंस किया जा रहा है, सेल्स को बढ़ाया जा रहा है, खर्चों को कम किया जा रहा है, प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है मैनुअल इंटरवेंशन करके प्रोसेसिंग करते वक्त, या फिर ऐसा हो सकता है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो गई, ट्रांजेक्शन छूट जा रहे हैं, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग हो जा रही है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, ऐसा हो, या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, प्रोसेसिंग सही है डेटा गलत है, हम लोगों ने एक्चुअल डेटा को लेकर के प्रोसेसिंग करनी चाहिए थी, बजटेड डेटा को लेकर प्रोसेसिंग कर डाली, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। तो प्रोसेसिंग में गड़बड़ है, मैनुअल इंटरवेंशन करके ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग को गलत किया जा सकता है, ठीक है, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट हो सकती है, या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ऐसा भी हो सकता है, सिस्टम को चेंजेस की जरूरत है, हो सकता है फेलियर टू मेक चेंजेस, आसपास के सारे सिस्टम्स बदल रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, हमने चीजों को नहीं बदला, हमारी चीजें आउटडेट हो गई है, ठीक है, फेलियर टू चेंजेस, फेलियर टू मेक चेंजेस, ऐसा हो सकता है, या फिर अनऑथराइज चेंजेस, हैकर्स ने हमारे सिस्टम में बिना परमिशन के चेंजेस कर दिए हैं, मेन सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिए, जो मास्टर फाइल्स है, मास्टर फाइल्स है जिसमें बेसिक डेटा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, वहां पर चेंजेस कर दिए, ऐसा हो सकता है, या तो चेंजेस नहीं हो रहे ये प्रॉब्लम है, या अनऑथराइज बंदा चेंजेस कर दे रहा है ये प्रॉब्लम है सिस्टम में या मास्टर फाइल्स में। तो लोग आए, पहला रिस्क लोग मिसयूज कर लेंगे, फिर डेटा आता है, डेटा डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम है, फेक ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम है, लॉस होने का ट्रांजेक्शन, लीक होने का प्रॉब्लम है, फिर प्रोसेसिंग होती है, मैनुअल इंटरवेंशन का प्रॉब्लम है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है, इनएक्यूरेट डेटा का प्रॉब्लम है, फिर चेंजेस, चेंजेस नहीं होना ये प्रॉब्लम है, अनऑथराइज चेंजेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ये प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज ऑन इनहेरेंट लिमिटेशंस, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इंटरनल कंट्रोल्स हमको एब्सोल्यूट अश्योरेंस, 100% कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, जैसे ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन है वैसे इंटरनल कंट्रोल्स में भी है। पहला मैंने उसको, पहला टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के हाथ से याद रखने के लिए ये टॉप मैनेजमेंट, हो सकता है जो टॉप मैनेजमेंट है उनका जो जजमेंट है, उनका जो जजमेंट है अबाउट मैनेजमेंट, उनका जो जजमेंट है अबाउट मैनेजमेंट, दैट कैन गो रॉन्ग, हो सकता है उनको लगा कि
इतना पैसा, इतना पैसा, ये सॉफ्टवेयर, इतने लोग एडिक्वेट होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, उनका जजमेंट गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अटेंडेंस के लिए उन्होंने सिग्नेचर सिस्टम रखा था, कोई भी आता था 9 बजे आया तो 9 बजे लिखेंगे, 10 बजे आया तो 9 बजे लिखेंगे, 11 बजे आया तो 9 बजे लिखेंगे, 12 बजे आया तो 9 बजे लिखेंगे, करेक्ट? तो मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हो गया, ठीक है? उन्होंने वॉचमैन को रखा, वॉचमैन को सेट कर दिया, मैनेजमेंट का फिर जजमेंट गलत हो गया। पंच कार्ड लाया, स्वाइप कार्ड, लोग एक मेक का स्वाइप कार्ड यूज कर रहे हैं, जो पहले आ रहा सबके लगा दे रहा अटेंडेंस, फिर गलत हो गया। बायोमेट्रिक्स काम कर रहा है, हो सकता है मैनेजमेंट का जजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, कितने लोग, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लेंगे, किस तरह के सिस्टम्स लेंगे, जो वो सोच रहे थे वो इन एडिक्वेट, इन अप्रोप्रिएट हो जाए, मैनेजमेंट जजमेंट गो रॉन्ग, हो सकता है ऐसा। दिस इज द प्रॉब्लम विद इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। फिर आपका जो मिड लेवल मैनेजमेंट है, हो सकता है वो पर्पज नहीं समझ पा रहा है। मिड लेवल मैनेजमेंट है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बहुत सारी एरर रिपोर्ट्स निकलती है, समझते ही नहीं उनको एरर रिपोर्ट्स क्यों है, उसका क्या यूज करना है। बहुत सारी एरर रिपोर्ट्स है, एरर रिपोर्ट निकलती है, निगेटिव इन्वेंट्री की एरर रिपोर्ट निकलती है, पॉजिटिव डेप्रिसिएशन की एरर रिपोर्ट बनती है, ठीक है, निगेटिव कैश बैलेंस की एरर रिपोर्ट निकलती है। पता ही नहीं उनको इस रिपोर्ट का करना क्या है, इस रिपोर्ट में जो डेटा आता है वो करना क्या उनको पता ही नहीं। हो सकता है सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है, ये भैया एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग बोलती है, प्रॉब्लम की रिपोर्टिंग बोलती है, इसको छानबीन करना पड़ता है। पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रिपोर्ट्स आर जनरेटेड। लोग, हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है, वो ही ना समझ पाए, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि वो समझ नहीं पाते, उसको बराबर समझ नहीं पाते, रिपोर्ट्स को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हो सकता है पर्पस समझ में नहीं आए, हो सकता है कोल्यूजन हो जाए। हमने एक सुपरवाइजर रखा था कि जो परचेस सुपरवाइज करे, सुपरवाइजर और परचेस मैनेजर, सुपरवाइजर और परचेस मैनेजर आपस में मिल गए, बोले फ्रॉड करते मिल बांट के खाएंगे। हो सकता है कि एम्प्लॉयज के बीच में कोल्यूजन हो जाए और वो जो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर दे और साथ में मिलकर फ्रॉड करे, ऐसा हो सकता है। लोअर लेवल एम्प्लॉयज में ह्यूमन एरर हो सकते हैं, काउंटिंग करते वक्त ह्यूमन एरर हो सकते हैं, सामान पैक करते वक्त ह्यूमन एरर हो सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स। लिखते वक्त चीजें कुछ गलत हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। टॉप मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हो जाना, मिड मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, उनको पर्पस समझ में नहीं आना, मिड लेवल मैनेजमेंट में कोल्यूजन होना जाना, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ह्यूमन एरर्स हो जाना। और आखिरी में है, लास्ट में, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, जो छोटे एंटिटी, स्मॉल एंटिटीज, उनके पास में पैसा बहुत कम है, उनके पास में रिसोर्सेस बहुत कम है, उनके पास में एम्प्लॉयज भी बहुत कम होते हैं, इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां पे बराबर, वहां पे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है ही नहीं बहुत सारे एम्प्लॉयज, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। एक ही एम्प्लॉय सारे काम कर लेता है, एक ही एम्प्लॉय कैश मैनेज करता है, और वही बंदा अकाउंटिंग भी कर लेता है, वो कैश भी मैनेज करेगा, वो कैश भी मैनेज कर देगा और वो अकाउंटिंग भी कर देगा, सारे काम वही बंदा कर रहा है, एवरीथिंग इज डन बाय देम, करेक्ट? तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं हो पाता छोटे एंटिटीज में, दैट इज अ प्रॉब्लम। दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस। नाउ बेनिफिट्स, मई 19 के आरटीपी में वापस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, क्या बेनिफिट्स है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, क्या बेनिफिट्स है इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने, इंटरनल कंट्रोल समझेंगे तो इससे क्या हमको फायदा होगा। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ICS.31 आप दिख रहा है, अराइज, अराइज करके, अराइज अराइज करके शॉर्टकट है,
अराइज, सुबह जल्दी उठो, ठीक है, फॉर बेनिफिट्स, अराइज, आगे बढ़ो, ऊंचा उठो, अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए लाइफ में। देखिए क्या बातें लिखिए सर, आप फालतू भावुक मत होइए। अगर हम इंटरनल कंट्रोल स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, एडिक्वेट इंटरनल, सही इंटरनल, सोच समझ के एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किया है, बनाया है ना, और इम्प्लीमेंट किया है ना, ठीक है, बनाया है और इम्प्लीमेंट किया ना, समझ में आएगा, इवेल्युएट करेंगे तो। 4A है, वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बियरिंग ऑन हिज वर्क, फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंट्रोलर वर्कर रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट इज वीक, दिस लाइकलीहुड डमी नेम्स बींग इंक्लूड इन द वेजेस वेज शीट एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर, ठीक है। एक होते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड कंट्रोल्स, कि अकाउंटिंग बराबर होनी चाहिए, और बाकी जो कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ठीक है, खासकर एम्प्लॉय से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हमको काम आ सकते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट अकाउंटिंग पे होता है, ठीक है। अगर हमको पता चला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वीक है, रिक्रूटमेंट बहुत वीक है, रिक्रूटमेंट में गलत लोग बैठे हैं, हो सकता है वो लोग डमी डमी वर्कर्स का अपॉइंटमेंट कर दे और उनकी सैलरी खा जाए, तो ये भी समझ में आता है कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हमारे काम के हैं, जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है, जिसको हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, तो इवैल्यूएट करने समझ में आता है, ठीक है। जैसे स्टॉक की सिक्योरिटी, स्टॉक की सिक्योरिटी का डायरेक्ट, स्टॉक की सिक्योरिटी कैसे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है स्टॉक की क्वांटिटी पे, स्टॉक की क्वांटिटी में, बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है उसके ऊपर, रिकॉर्ड में स्टॉक दिख रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, तो हो सकता है वो भी हमारे लिए रेलेवेंट हो। तो बहुत आसान, इवैल्यूएट करके समझता है एडिक्वेट कंट्रोल्स है कि नहीं, इवैल्यूएट करके समझता है कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, मतलब ये नॉन अकाउंटिंग कंट्रोल्स हमारे लिए काम के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म कौन सा पहनते हैं, यूनिफॉर्म कलर कौन सा होना चाहिए, वो कंट्रोल्स काम के नहीं, जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है वो कंट्रोल्स हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं। देन अराइज, ए स्टैंड फॉर कौन सी ऑडिट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स हमने यूज करनी चाहिए, कंट्रोल्स देखकर हमको समझ में आता है कौन सी ऑडिट टेक्निक्स या ऑडिट प्रोसीजर हम लोगों ने करनी चाहिए, ठीक है। क्या हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन, लोग कैसे काम कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्या हम लोगों ने रिकॉर्ड्स देख करके इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्या हम लोगों ने खुद परफॉर्म करके देखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे रिजेक्शंस होते हैं, कंप्यूटर में रिजेक्शन होता है, सो कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, इंस्पेक्शन कैसे करोगे तुम, एक काम करो खुद परफॉर्म करके देखो कि कंप्यूटर बराबर रिजेक्ट करता है क्या, तो सिस्टम समझोगे समझेगा कौन सा हमको तरीका लगाना पड़ेगा। एरियाज वेयर कंट्रोल इज वीक एंड वेयर इट इज एक्सेसिव, कहां पे कंट्रोल्स वीक है वो भी समझ में आएगा, एडिक्वेट है क्या वो समझ में आएगा, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अच्छे वो समझ में आएगा, ऑडिट टेक्निक कौन सी यूज करना वो समझ, कहाँ पे एरियाज में कौन सा वीक है कहीं पे स्ट्रांग है। अराइज, आर स्टैंड फॉर, ठीक है, कितना अच्छा सिस्टम है इनका, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस करने का, प्रेजेंट करने का, वो भी समझ में आएगा। एंटिटी के जो रिपोर्ट्स, एंटिटी के जो प्रिंट आउट, जो रिपोर्ट्स है रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स है, वो कितने रिलायबल है वो समझ में आएगा, स्टडी करेंगे समझ में आएगा कि इनके रिपोर्ट्स कितने रिलायबल है, कितनी सही जानकारी देते हैं, सिस्टम समझ के भी समझ में आता है इंटरनल ऑडिटर कैसे काम कर रहा है। अगर सिस्टम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब इंटरनल ऑडिटर बहुत अच्छे से काम कर, अगर देख रहा है सिस्टम में जगह जगह पे चेंजेस है और सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, मतलब इंटरनल ऑडिटर इनका अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। क्या ये अपने सेफगार्ड्स को सेफ रख, मतलब सेफगार्ड्स को लिए सिस्टम अच्छा है, नहीं भी समझेगा, क्या एसेट्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं सिक्योरिटी के साथ में, ऑथराइज लोग कोई एक्सेस देते हैं,
प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं, सेफ गार्डिंग, सजेशंस भी दे सकते हैं। वी कैन गिव सजेशंस क्या करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, हो सकता है सजेशन दिया है कि हर हफ्ते एक मीटिंग रखो जहां पे एम्प्लॉयज बोलेंगे क्या दिक्कतें महसूस हो रही है उसको ठीक करने का, काम कर गया सजेशन। ई स्टैंड फॉर, दो ई है, देट टू ईज अराइज। ई स्टैंड फॉर एरर्स और फ्रॉड्स कहां पे मिल सकते वो समझ में आता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझ में आता है आगे, समझ में आता है स्टडी करने से कि आगे ऑडिट में सब्सटेंटिव प्रोसेस कितनी लगानी पड़ेगी, ये सारे बेनिफिट्स है। ठीक है, अराइज, ए के चार है, आर के दो है, आई का एक है, एस के दो है। ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ द कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एडिक्वेसी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, और टेक्निक कौन सा यूज करना, कौन से एरियाज वीक और स्ट्रांग है। ठीक है, ए के चार पॉइंट है, देन आर के चार दो पॉइंट है कि सिस्टम पर, ये भी समझ में आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बराबर है ना, और रिलायबल रिपोर्ट्स हमको मिल रही है ना, इंटरनल ऑडिटिंग कैसे काम कर रहा है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स है ना, सजेशंस, और ई में एरर्स फ्रॉड्स रोक पा रहे हैं ना, और एग्जामिनेशन इन डेप्थ कितनी करनी पड़ेगी। आगे बेनिफिट्स ऑफ आईटी कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स के बेनिफिट्स क्या है, हम लोगों ने प्रॉब्लम देखे, बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ आईटी कंट्रोल्स, कैट। ठीक है, कैट का ऐसा मतलब कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, ऐसा होता है उसका मतलब। बहुत सारे बेनिफिट्स कैट के, बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो यहां पे क्या बेनिफिट्स है, सरकमवेंट करना सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करो ना तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने बायोमेट्रिक्स को यूज किया, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, रेटिना, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब है, इसको तोड़ना, अगर आप आईटी सिस्टम्स को अच्छे से यूज करो, कंप्यूटर्स को अच्छे से यूज करो, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको सरकमवेंट करना बहुत मुश्किल है। सी, ये कंसिस्टेंटली अप्लाई होते हैं, कितने भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो, कितने भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना दिया तो कंसिस्टेंटली एज इट इज सबको अप्लाई करते, लार्ज वॉल्यूम फटाफट फटाफट निपटा देते, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन टू सिंपल, सबको एक कंसिस्टेंट एप्लीकेशन रखते हैं। एडिशनल एनालिसिस, एम्प्लॉयज का डेटा हमारे पास, इतने सारे एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, एवरेज एम्प्लॉयज, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय कितना है, पर मंथ सैलरी कितना है, एवरेज पर एम्प्लॉय सैलरी हम निकाल पा रहे हैं, पर एम्प्लॉय सैलरी हम निकाल पा रहे हैं, पर स्क्वायर फीट क्या सैलरी ये निकाल पा रहे हैं, पर यूनिट क्या सैलरी हम ये निकाल पा रहे हैं, करेक्ट, इतने एनालिसिस कर पा रहे हैं हम लोग जो पहले पॉसिबल नहीं था। एडिशनल एनालिसिस, एबिलिटी टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, एनहांसेस एबिलिटी, कहीं से भी हम चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल टैली का डेटा हमारे फोन में आता है, फोन में आता है आज का कितना सेल है, मॉनिटरिंग बहुत आसान, एबिलिटी टू मॉनिटर कहीं से भी, वो एबिलिटी खतरनाक इंप्रूव करता है। टी, टाइमलीनेस, टाइमली एक्यूरेट हमारे को हमेशा प्रोसेसिंग मिलती है आईटी सिस्टम्स की वजह से, रात को 12 बजे बैकअप होगा मतलब होगा ही, टाइमली टाइमली काम होता है सब कुछ, टाइम टू टाइम। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी पॉसिबल है, कई कई आईटी सिस्टम्स यूज करेंगे, सबके अलग अलग यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड होते हैं, सबको अलग अलग काम दिया हुआ है, कोई एक मेक के एरिया में घुसता नहीं है, काम बांटा हुआ है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी कई कई पे पॉसिबल होता है अच्छे से करना। तो कैट्स बराबर, वो हमने देखा बहुत आसान, सरकमवेंट करना मुश्किल हो गया, कंसिस्टेंटली अप्लाई होता है। एडिशनल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू एडिशनल एनालिसिस, एबिलिटी टू मॉनिटर हमारा इंप्रूव हो गया। ठीक है, आपका टाइमलीनेस, टाइमलीनेस आपका टाइम पे काम होता है, कैट्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी पॉसिबल हो गया। दीज आर द एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, आईटी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है। नाउ फिर 39 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 18 आरटीपी, मई 19 एमटीपी में आया हुआ है,
केस स्टडी है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हो सकता है आ जाए, करेक्ट, ध्यान देंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि एक हमारा अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को ही बोल दिया तू डेटर्स को भी मैनेज कर ले, अकाउंटेंट को बोल दिया कि बेटा तू डेटर को भी मैनेज कर ले, यू मैनेज डेटर्स ऑल्सो, डेटर भी मैनेज कर ले बेटा। अब डेटर को मैनेज कर, डेटर को मैनेज कर लो, डेटर को मैनेज कर लो, ऐसी बात हुई है। अब बंदे ने क्या किया, डेटर को मैनेज, एक डेटर से रिकवरी हुई, डेटर से रिकवरी हुई, यानी एक इंश्योरेंस क्लेम मिला, क्लेम का पैसा मिला इंश्योरेंस का। बंदे ने क्या किया, अकाउंटिंग में कैश बैंक डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया, डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया मतलब डेटर का एडवांस है ऐसा बता दिया, और फिर बाद में एडवांस है और एडवांस उसको वापस करना है, इसलिए वापस करना है, इसलिए वापस कर दिया ऐसा बोल दिया और पैसे खुद निकाल लिए। तो पैसे खुद निकाल लिए, तो इसमें पूरे इसमें सिस्टम में कहां पे गड़बड़ हुई, तो उनका कहना है पहला दो सबसे इसेंशियल फीचर्स होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सारे इम्पाउंड का कोई इंपॉर्टेंट काम है एक आदमी के हाथ में मत दो, मल्टीपल लोगों के हाथ में दो, ठीक है। और कभी भी इसको सेग्रीगेशन ड्यूटी मल्टीपल लोगों के हाथ में देना, ताकि एक काम अपने आप चेक होता जाए, और दूसरा कभी भी एसेट और अकाउंटिंग एक आदमी के हाथ में देना, जो बंदा कैश संभाल रहा है उसको अकाउंटिंग मत दो, जो बंदा स्टॉक के रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है उसको आप स्टॉक की जिम्मेदारी मत दो, उसको भी सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शंस बोलते हैं, इनकम्पैटिबल फंक्शंस बोलते हैं, ये दो चीजों का सेग्रीगेशन। ये दो चीजों का, ठीक है, ये दो चीजों का सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे गलती क्या हुई, सबसे पहली गलती है सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन। जो बंदा कैश संभाल रहा है उसी को आपने अकाउंटिंग करने के लिए बोल दिया, ये सबसे बड़ी गलती है, इनकम्पैटिबल फंक्शंस को साथ में रखा हुआ है, करेक्ट। फिर यहां पे अगर इंश्योरेंस का पैसा मिला तो हमने रिसीट, मतलब रिसीट इशू नहीं हो, मतलब इनका एक तो ये प्रॉब्लम है, फिर इंश्योरेंस का पैसा मिला तो रिसीट इशू नहीं चाहिए थी, मतलब रिसीट इशू, जब भी कैश या चेक मिलता है तो रिसीट इशू करने का सिस्टम है वो लैकिंग है यहां पे, क्योंकि अगर रिसीट इशू होती तो इंश्योरेंस का पैसा मिला ऐसा पता चल जाता है और फिर उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इंश्योरेंस क्लेम की। तो रिसीट इशू के सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ है, रिसीट इशू नहीं हुई, बराबर नहीं हुई, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ओनर का ध्यान होना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर, ओनर का ध्यान होना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला उसके ऊपर, ओनर का ध्यान भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम, ये डेफिशिएंसीज है। इनकम्पैटिबल फंक्शंस को बराबर साथ में एक ही बंदे को दे दिया है, वो प्रॉब्लम है, रिसीट्स बराबर इशू नहीं कर रहे, उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है, ओनर का ध्यान नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम है, ये डेफिशिएंसीज है, दीज आर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। फिर नवंबर 19 के आरटीपी में क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को समझना जरूरी है, ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम बना सकता है ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को समझना, अंडरस्टैंड करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या है, कैसे डिजाइंड है, क्या स्टेप्स है, क्या सिस्टम्स बना के रखा है, सेल का, परचेस का, प्रोडक्शन का, सेल का, अकाउंटिंग का, ठीक है, उसको टेस्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो मैंने सबकी हेडिंग्स बना के दी हुई है, यस इट्स इंपॉर्टेंट, जरूरी है इनको समझना, क्योंकि सिर्फ इंस्टॉलेशन के भरोसे नहीं चल सकते, कभी कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है लेकिन लोग उसको बराबर इंप्लीमेंट नहीं करते,
बराबर चलता नहीं है, सिर्फ इसीलिए उसको टेस्टिंग करना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को सब अच्छे से समझना, क्या काम अच्छे समझना, इज इट ऑपरेशनल, वो टेस्ट करना जरूरी है। सिर्फ इंस्टॉलेशन के भरोसे मत बैठिए, इंस्टॉलेशन के बाद में भी कभी कभी सिस्टम्स बराबर काम नहीं करते, रिव्यू करना जरूरी है। ये इससे समझ में आता है कौन से एरिया वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे मेहनत कम करनी है, कहाँ पे ज्यादा करनी है। तो वही समझना है, समझना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है। नेचर टाइमिंग एक्सटेंड इसी पे डिपेंड करता है, तो कोई नई बात नहीं है साहब, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहले समझाना पड़ेगा, समझना जरूरी है, फिर समझाना पड़ेगा, टेस्ट करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा, क्यों टेस्टिंग जरूरी है, सिर्फ इंस्टॉलेशन के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक है, वीक पॉइंट्स, ठीक है, रिव्यू समझना जरूरी है, करेक्ट, समझना, टेस्ट करना जरूरी है, सिर्फ इंस्टॉलेशन के भरोसे नहीं बैठते। कैसे समझेंगे? रिव्यू करके। जितना आप सिस्टम्स को रिव्यू करेंगे जितना रिव्यू करेंगे, ठीक है, रिव्यू करना मतलब स्टडी करना, एनालाइज करना, पूछताछ करिए, उसके मैनुअल्स पढ़िए, इससे रिव्यू करना, रिव्यू करने से वीकनेस समझेंगे, जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसी के ऊपर तो आएगा, पूरा प्लानिंग डिपेंड करता है। ठीक है, जहां पे एरियाज वीक है वहां पे हम लोग एक्चुअल चेकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, सब्सटेंटिव चेकिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स बहुत ज्यादा करेंगे, जहां पे स्ट्रांग है वहां पे वीक करेंगे, इसी से हम एफिशिएंट इफेक्टिव बनेंगे। नाउ इसलिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, करेक्ट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो आगे की ऑडिट प्रोसीजर्स है, इस पर डिपेंड करता है सब, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स पे। इसीलिए उसको अच्छे समझिए, उसको अच्छे समझिए, समझने के बाद अपने डिटेल चेकिंग का प्लान बनाइए। परचेस में वीकनेस है वहां पे ज्यादा चेकिंग, सेल्स में अच्छा है वहां पे कम चेकिंग, एंड सो ऑन। ये बात दी है सब, आसान था। 700 सीरीज पे चलते हैं, मिस्त्री ने इसमें कुछ नहीं। सात सौ सीरीज पे आइए, पेज पीडीएफ का पेज नंबर 297 है, और प्रिंटेड पेज नंबर 291 है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर 700 सीरीज भी हम कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड इनफ, अच्छा खासा रहेगा। 700 ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के, एज पर SS-700 मतलब टारगेट्स क्या है, ऐसे 700 के हिसाब से ऑडिटर का एक टारगेट है, ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि पहले वो ओपिनियन फ्रेम करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन फ्रेम करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपिन फ्रेम करना है, कि भाई इस पे क्लीन ओपिन देना है, अनमॉडिफाइड, कि क्वालिफाइड ओपिन देना है, कि एडवर्स ओपिन देना है, कि डिस्क्लेमर देना है, ओपिनियन फ्रेम करना, ये उसका टारगेट है। ओपिन फ्रेम करना, ओपिनियन ऑन द बेस ऑफ कंक्लूजन्स, जो हर एरिया के उसने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं ऑन द बेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो बहुत आसान है, जाकर ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, हर एरिया के छोटे छोटे कंक्लूजन बनाने हैं, और ओवरऑल ओपिनियन फ्रेम करना है, फाइनेंशियल ओपिनियन फ्रेम करना है, और फ्रेम करने के बाद उस ओपिनियन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है ऑडिट रिपोर्ट में। ये टारगेट्स है, ये टारगेट्स है सब, दीज आर द, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है एज पर SS-700। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझाना। अब ओपिनियन जो फॉर्म करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है, तो ओपिन कैसे फॉर्म करना पड़ेगा, ओपिनियन फॉर्म कैसे करना पड़ेगा, तो मेन ऑब्जेक्टिव ओपिन फॉर्म करना और रिपोर्ट में लिखना। अब ओपिनियन कैसे फॉर्मिंग ओपिनियन, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए पहले उसको जाना पड़ेगा, पहले उसको जाना पड़ेगा और उसको खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दे फ्री फ्रॉम
ही नीड टू ऑप्टेन अश्योरेंस, ही नीड टू ऑप्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब उसको खुद को पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर उसको ओपिनियन फॉर्म करना है तो उसको जाना पड़ेगा और रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा, मतलब पहले खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। और इसके लिए उसको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। सबसे पहले सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस एविडेंस इकट्ठा करना, देखना पड़ेगा कितने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, मैनेजमेंट कितने रेक्टिफाई कर दिए, कितने रेक्टिफाई करने को तैयार है, कितने नहीं है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी स्टडी करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉलिसीज कितनी अच्छी है, क्या पॉलिसी सही में अच्छी है, जो रेवेन्यू को बराबर बता रहे हैं, एक्सपेंस को बराबर बता रहे हैं, एसेट लाइबिलिटी को बराबर बता रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी सही लग रही है, एस्टिमेट सही लग रहे हैं, डिस्क्लोजर सही लग रहे हैं। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा। तो देखिए एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर एज पर SA 700 या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपिनियन, तो आपको बताना पड़ेगा SA 700 के हिसाब से दो टारगेट है। बेटा अच्छे से सोच समझ के ओपिनियन फॉर्म कर, ओपिनियन फ्रेम कर और इसकी रिपोर्ट बना। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए पहले तेरे को खुद को रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा, पहले तेरे को खुद को कॉन्फिडेंस तेरे को पहले खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे कर पाएगा तू इसको, तो पहले ऑब्जेक्टिव समझा रहे, उस ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाके सारे सभी फाइनेंशियल आइटम्स के लिए सबूत इकट्ठा कर, देख मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कितने, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का क्या असर पड़ रहा है वो देख, और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज सही है ना, बराबर कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू लोग बराबर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट सही लग रहा है ना, पॉलिसी सही लग रही है ना, इनकी अजम्पशन सही, एस्टिमेट सही लग रहे हैं ना इनके, और डिस्क्लोजर सही लग रहे हैं ना, ये तीन बातें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर तेरे को ओपिनियन फॉर्म करना है तो रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करना है, तो प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन था, May 18 एग्जाम में क्वेश्चन था, May 19 मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या, व्हेन डज द ऑडिटर इशू अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब इशू करना चाहिए, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब इशू करना चाहिए, ठीक है, या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन की द ऑडिटर शुड फुल्ली सेटिस्फाइड विद ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन कैन बी गिवन, रीजनिंग एंड गिव रीजनिंग। ठीक है ध्यान देंगे, व्हेन डज एन ऑडिटर इश्यू अनक्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाट डज इट इंडिकेट, अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब देना चाहिए, एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब देना चाहिए, अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब देना चाहिए, कौन सी चीजों से हम संतुष्ट है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब पूरी अकाउंट जो कंपनी के पूरी अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग है एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एकदम सही अकाउंटिंग, बहुत बढ़िया अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू लॉ के हिसाब से बराबर है, दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल ओपिनियन, अनकंडीशनल ओपिनियन कब देना चाहिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे लॉ शेड्यूल 3 के हिसाब से, लॉ के हिसाब से सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें लिखी है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन गैप है उसके हिसाब से पूरी अकाउंटिंग की है, ठीक है, कोई भी अगर चेंजेस है
कोई भी चेंजेस अगर है तो उसको बराबर डिस्क्लोज किया है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी उसका इफेक्ट क्या है वो बताया हुआ है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ और मटेरियल एस्पेक्ट, सारे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, बड़े बड़े इवेंट्स, इंपैक्ट बैलेंस सब डिस्क्लोज किया। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर ऐसी चीज दिखे लॉ के हिसाब से सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, चेंजेस को बता दे रहे हैं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है हर चीज का, तो हम लोगों ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। और अनक्वालिफाइड ओपिनियन है उसका मतलब ये है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आपको मैं क्विकली ओवरव्यू कर ही दूं, क्विकली ओवरव्यू कर ही दूं। बेसिक एलिमेंट्स, पहले टाइटल आता है, पहले टाइटल आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, ओपिनियन आता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, लोगों ने भरोसा करना चाहिए इसलिए बेसिस ऑफ ओपिनियन डालता है भरोसा। उसमें बताते हैं बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उसने काम किया एज पर स्टैंडर्ड ऑफ नॉटिंग, गोइंग कंसर्न पे अगर खतरा हो तो डाल, इफ अगर है तो डाल सकते, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आता ही है, अगर की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल है तो आता ही है, ठीक है। देखिए हम इंपॉर्टेंट जो रिसेंट इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में, जो रिसेंट एमटीपी एलटीपी में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट उनका काम है अकाउंट नहीं करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब लॉ में इसके अलावा कुछ और बातें, अगर लॉ कुछ और बातें लिखने को बोलता है तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिग्नेचर, फर्म का नाम भी आना चाहिए और सीए का नाम भी आना चाहिए, दोनों का नाम आता है, फर्म का नंबर भी आता है, मेंबर का भी नंबर आता है, दोनों का नाम, दोनों के नंबर आने चाहिए, सिग्नेचर, प्लेस, टीम जहां से आई है, ऑडिट टीम, ऑडिट टीम मुंबई की है, दिल्ली की है, कहां की है वो जगह, कहां साइन होता वो नहीं, ऑडिट के टीम मेंबर्स कहां के हैं, कहां से लोग आए थे ऑडिट करने के लिए वो प्लेस और डेट, ठीक है, और कंप्लीशन डेट इसको मानते हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ओपिनियन पैरा, ओपिनियन पैरा के बाद नवंबर 19 आरटीपी में, पहले ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, लोगों ने ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए इसलिए, इसलिए बेसिस, बेसिस फॉर ओपिनियन आता है। इसमें हम क्या बताते हैं, पहले बोलते हैं लोगों ने ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए इसलिए, अरे जो चेक करने वाला बंदा है ना, ठीक है, जो चेक करने वाला बंदा है वो इंडिपेंडेंट है, वो एथिकल है, ठीक है, वो बंदा एकदम सही है, बंदा दूध से धुला है, बंदा एथिकल है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, नेक बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, एथिकल है और इंडिपेंडेंट है, ओपिनियन पे भरोसा करो क्यों करो, क्योंकि जो चेक करने वाला बंदा है वो एथिकल बंदा है और वो इंडिपेंडेंट बंदा है, वो एथिकल बंदा है और इंडिपेंडेंट बंदा है, ठीक है, और उसने चेकिंग जो की है और क्यों भरोसा करो, क्योंकि उसने चेकिंग जो की है एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की है, एसएस के हिसाब से की है, अगर एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की है, अगर आपको और पढ़ना है कि उसने कैसे चेकिंग की इन डिटेल तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन पे लो। और आखिरी में, आखिरी में सबको भरोसा दिलाना है उसको, आई अश्योर, मैं सबको भरोसा दिलाता हूं, आई अश्योर कि मैंने मेरा ओपिनियन देने के लिए सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा किया, बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है, जिसने ऑडिट किया है वो पूरी टीम एथिकल इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो किए, डिटेल में चेकिंग की, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन पढ़ सकते, और पूरा भरोसा दिला रहे, ठीक है, मैं खुद सेटिस्फाइड हूं इसलिए मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, अश्योर कर रहा हूं, अश्योर कर रहा हूं कि मैंने सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा किया अपना ओपिनियन देने के लिए। ये बेसिस ऑफ ओपिनियन, लोगों ने ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए इसलिए बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन को डाला जाता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, देखिए सब में हमने थ्योरी देख रखी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ सबसे पहला, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, सबसे पहला
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जिसके बेस पे अकाउंटिंग होती है उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। दो फ्रेमवर्क होते हैं, फेयर फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जो बोलता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, जो चेंजेस करने, जो एडिशन करने कर डालो, उसको बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन। जो फ्रेमवर्क बोलता है नहीं बस रूल मतलब रूल फॉर्मेट को फॉलो करो, दैट्स इट, उसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है जो अंडरस्टैंडिंग को ध्यान देता है, यूजर्स की नॉलेज, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को, यूजर्स के भले के बारे में सोचता है। वहां पे हम लोग ओपिनियन में वर्डिंग यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू। जो फ्रेमवर्क बोलता है बस फॉर्मेट फॉलो करो खत्म करो, वहां पे हम लोग बोलते हैं, वहां पे फेयर वर्ड यूज नहीं करते, वहां पे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दो बातें बोलते हैं। यहां पे सिर्फ बोलते हैं एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एनीवेज दोनों का फर्क भी बता दिया। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल लिखते हैं, इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, एएस बेस्ड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, या फिर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है कि सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स बने, रिकॉर्ड से प्राइमरी बुक्स में जाए, प्राइमरी बुक से सेकेंडरी बुक्स में जाए, ठीक है, प्राइमरी बुक से सेकेंडरी बुक्स में जाए, सेकेंडरी बुक्स में जाए। इसके लिए, इसके लिए इसके लिए आपको, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम को बनाने की जिम्मेदारी हमारी, हमने सिस्टम को बनाया। देखिए बहुत सिंपल बहुत आसान, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी हमारी फ्रेमवर्क के हिसाब से, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी हमारी, करेक्ट। इसके लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगता है, उसके लिए भी जिम्मेदार। गोइंग कंसर्न अजम्पशन को स्टडी करना, एनालाइज करना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है वो भी अप्रोप्रिएट है, पता लगा के इंप्लीमेंट करना, जिम्मेदारी हमारी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम खड़ा करेंगे, गोइंग कंसर्न असेस भी हम ही करेंगे, और आखिरी में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई, आखिरी में हमको आइडेंटिफाई करना कौन है एग्जैक्टली, बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोलो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रस्टीज की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कौन है एग्जैक्टली वो लोग, उनको आइडेंटिफाई भी करते कि ये लोग हैं, ये ऑफिस बेयरर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। नाम भी लिखते ताकि लोग और जिम्मेदारी से काम करें। फिर ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखो, यहां पे लिखा है इंस्टीट्यूट ने गलत छापा हुआ है मई 19 के मॉक टेस्ट पेपर में। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर रेफर रेफर एक्स्ट्रा नोट्स। देखिए 700 के जो एक्स्ट्रा नोट्स है, 700 सीरीज के जो एक्स्ट्रा नोट्स है, 700 सीरीज के जो एक्स्ट्रा नोट्स है, वहां पे यहां पे है, वहां पे है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो इसका कहना है कि अगर आपको ओपिनियन फ्रेम करना है तो गलतियों की गलतियां कितनी है, चलो गलतियां कितनी हो तो आपने देखा, आपने क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे है, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल में उसको टेक्निकली बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट बायस्ड है क्या, क्या मैनेजमेंट जानबूझ के कोशिश कर रहा है क्या प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखाने की या प्रॉफिट्स को कम करके दिखाने की, ठीक है।
तो पहले समझाते हैं कि ओपिनियन फ्रेम करना है उसके लिए क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना जरूरी है, और क्वालिटी के साथ साथ में मैनेजमेंट बायस्ड है क्या, क्या मैनेजमेंट जानबूझकर प्रॉफिट को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है या बढ़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी देखना पड़ेगा बोलो, वो भी जरूरी है। ठीक है, ओपिनियन फ्रेम करना है, सिर्फ गलतियां देख के बात नहीं बनेगी, क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी और मैनेजमेंट बायस्ड है क्या वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले जनरल प्रिंसिपल बताया, फिर ठीक है बोले डन। क्वालिटी मतलब क्या, तो बोले क्वालिटी मतलब क्या, ऐसे 260 में समझाया, बोले ऐसे 260 है वहां पे समझाया, बोले क्वालिटी मतलब क्या। ठीक है, ये पूरी थ्योरी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से उठा, मतलब हमारे मॉड्यूल में है और मॉड्यूल में ऐसे से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से। क्वालिटी मतलब तीन चीजें होती है लिखी हुई थी, पहली अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट और डिस्क्लोजर्स, तीन बातें। तो पहले समझाओ, ओपिनियन अगर फ्रेम करना है तो अपार्ट फ्रॉम मिसस्टेटमेंट वी हैव टू सी क्वालिटी आल्सो। क्वालिटी के साथ साथ में ये भी, क्वालिटी के अंदर ये भी हमने आगे और देखना चाहिए कि मैनेजमेंट बायस्ड है क्या। अब क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटी मतलब क्या, तीन बातें। क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सोच समझ के पॉलिसीज को बनाया गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, सपोज हम बार्टर कर रहे हैं तो बार्टर की अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी सोची समझी होनी चाहिए। बार्टर ट्रांजेक्शन है तो 10-10 साल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सोची समझी अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। रिसर्च के करोड़ों में खर्चे हो रहे, सोची समझी अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। एस्टिमेट सही होने चाहिए, बड़े बड़े एसेट्स को डिप्रिशिएट करना पड़ता है, अमोर्टाइज करना पड़ता है, इंटेंजिबल एसेट, एस्टिमेट सही होने चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। क्वालिटी मतलब तीन चीजें आती है, ऐसे 260 में समझाया बोले, और ऐसे 260 में लिखा हुआ है कि क्वालिटी देखने के साथ साथ हमने ये भी देखना चाहिए कि मैनेजमेंट बायस्ड है क्या, क्या मैनेजमेंट जानबूझकर, क्या मैनेजमेंट फायदा उठा रहा है, क्या मैनेजमेंट जजमेंट्स और एस्टिमेट्स का फायदा उठा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, जानबूझकर प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखा रहा है क्या, जानबूझ के प्रॉफिट्स को कम करके दिखा रहा है क्या। तो ओपिनियन के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के अंदर मैनेजमेंट बायस्ड है क्या वो भी देखना चाहिए। अब मैनेजमेंट बायस्ड है उसके इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है, सिर्फ वही गलतियां ठीक करना जिसमें प्रॉफिट्स बढ़ रहे। अगर हम देख रहे हैं कि किससे समझ में आएगा मैनेजमेंट बायस्ड है, सिर्फ वही प्रॉफिट्स, सिर्फ वही एडजस्टमेंट्स, सिर्फ वही रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं, वही गलतियां ठीक कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट्स बढ़ रहे ये दिखा रहा है यू लैक न्यूट्रलिटी, मतलब तुम न्यूट्रल नहीं हो, तुम सच्चाई नहीं बताना चाहते, तुम सिर्फ खुद का, ठीक है, खुद का काम करना चाहते हो, खुद का इंटेंशन फुलफिल करना चाहते हो, दैट्स इट। तुम बायस्ड हो, यू आर बायस्ड, सिर्फ खुद की चीज बराबर करना चाहते हो, यू आर बायस्ड, अगर सिर्फ वही करेक्शंस कर रहे हो तो। ठीक है, एस्टिमेट्स पूरे ऐसे बना रहे हो जिसमें प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इससे भी दिखता है यू आर बायस्ड। अब मैनेजमेंट बायस्ड है क्या वो समझना, उसके इंडिकेटर्स और कैसे उसको पकड़ना और क्या करना, ये ऐसे 540 में दिया है। तो है कि बहुत ही यानी, ठीक है, ये जो आंसर है इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन कम और रेफरेंसेस ज़्यादा है। ओपिनियन के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओपिनियन के लिए अगर दिमाग में फिट करना है, ओपिनियन के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के बारे में ऐसे 260 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्वालिटी के अंदर और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, बायस्ड है कि नहीं, उसके इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर्स है, सिर्फ वही गलतियां ठीक करना जहां पे खुद के ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं और सारे एस्टिमेट भी वैसे ही बना। मैनेजमेंट बायस से कैसे डील करना, ऐसे 540 में लिखा हुआ है, तो ऐसे रेफरेंसेस देते जा रहे हैं। क्वालिटी के बारे में 260 के पास जाओ और बायस के लिए 540 देखो। पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ऐसे समझ में नहीं आता है बच्चों को जल्दी जल्दी, May 19 मॉक टेस्ट पेपर में आया। नवंबर 18 आरटीपी और नवंबर 19 आरटीपी,
18 RTP और नवंबर 19 RTP, 18 की RTP और 19 की RTP, ठीक है, 18 की RTP और 19 की RTP में आया हुआ है की ऑडिट मैटर को मिसयूज मत करो, ठीक है। मिसयूज मत करो, चार बातें। सबसे पहले तो इन शॉर्ट की ऑडिट मैटर होते क्या है। ऑडिट करने के दौरान ऐसे मैटर्स, ऐसे इश्यूज जहां पे हमने बहुत समय दिया, बहुत टीम लगाई, बहुत रिसोर्सेस किए, ठीक है, जहां पे हमने सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट काम की मेहनत किया, ऐसे मैटर्स जो ऑडिटर के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, बहुत सारा समय, बहुत बड़ी टीम, बहुत सारे रिसोर्सेस जिसपे ऑडिटर ने लगाया, उसको बोलते हैं की ऑडिट मैटर। ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने वालों को पता होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने वालों को पता होना चाहिए कि ऑडिटर ने सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पे की, वो की ऑडिट मैटर। इस पर्टिकुलर उसको की ऑडिट मैटर बोलते हैं, इसको आप मिसयूज मत करिए, डोंट मिस यूज इट, ठीक है। आप इसको बोले मिस यूज मत करिए, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसिंग है तो की ऑडिट मैटर में बता दे, उसके लिए नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ डिस्क्लोजर्स मिसिंग है तो मैं वो डिस्क्लोजर्स यहां पे बता दूं, अरे नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स के लिए नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ गलतियां तो वो मैं यहां पे मॉडिफाई कर दूं, नहीं, डिस्क्लोजर्स के लिए नहीं है। डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स का काम यहां पे मत करो, डिस्क्लोजर का काम यहां पे मत करो। मॉडिफिकेशन के लिए नहीं है, क्वालिफाई करने के लिए, एडवर्स देने के लिए, डिस्क्लेमर देने के लिए नहीं है, नहीं, गलत। उसके लिए बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ है, वहां समझाते गलतियों को, गलतियां बताने के लिए नहीं है। गोइंग कंसर्न के लिए नहीं है, गोइंग कंसर्न के लिए अलग से सेक्शन आता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न, उसके लिए नहीं है। दिस इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन, मतलब मैंने वहां पे चार बातें डिस्कस की, मतलब वो चार बातों पे मैं सेपरेट ओपिनियन दे रहा हूं, एक अलग ओपिनियन दे, नहीं, ओपिनियन के लिए है ही नहीं है, ओपिनियन के लिए ओपिनियन पैराग्राफ है, यहां पे मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग सेपरेट ओपिनियन ऑन द फोर पार्ट्स। मैंने वहां पे डिप्रिसिएशन की बात की, इन्वेंटरी की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, इसका मतलब मैं उस पर सेपरेट ओपिनियन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, इट इज नॉट सेपरेट ओपिनियन। तो प्लीज, ठीक है, इसको, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। मई 18 के RTP में आना, नवंबर 19 के RTP आना, मई 20 एग्जाम्स में आ सकता है। सात सौ पांच में कुछ मार्क नहीं है, ठीक नाउ, फटाफट आखिरी कुछ चीजें, हमारा समय वैसे खत्म हो गया लेकिन फटाफट मैं बता दूं, समय खत्म हो चुका है, वी हैव टाइम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन बता दूं 706 के बारे में बता दूं, ठीक है। ईएमपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की किसी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर के किसी चीज को हाईलाइट करना है ताकि ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंप्रूव हो जाए, सो दैट लोगों की अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाए, उसके लिए हम ईएमपी डालते हैं। उसके लिए साहब हम क्या डालते हैं, वी पुट ईएमपी, एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ डालते हैं। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, पिछले साल गलतियों को रेक्टिफाई किया, प्रायर पीरियड आइटम्स है,
प्रायर पीरियड आइटम्स है, करेक्ट? तो वो प्रायर प्रायर पीरियड आइटम्स है, प्रायर पीरियड आइटम्स, करेक्ट? प्रायर पीरियड आइटम्स को रेक्टिफाई किया हुआ, उसकी वजह से एकदम प्रॉफिट्स कम हो गए, एकदम प्रॉफिट्स कम हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है? इस बात को हाईलाइट करने के लिए हम ईएमपी डाल सकते हैं, एमेलगमेशन हुआ है उसके लिए ईएमपी डाल सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ की वजह से लॉस हुआ है उसके लिए ईएमपी डाल सकते हैं, साल के एंड में बहुत बड़ा लिटिगेशन पेंडिंग है उसके लिए ईएमपी डाल सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमने नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एएस किया है, जब लोग अप्लाई नहीं करते हमने अप्लाई किया, ईएमपी डाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई है लोगों के लिए जरूरी है समझना, तो हम ईएमपी डाल सकते हैं। शॉर्ट में मैंने ईएमपी मतलब क्या है उसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया, जितना समय है उसके हिसाब से उतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ईएमपी क्या, उसका मतलब बता दिया। ईएमपी के अंदर की ऑडिट मैटर वाली चीजें, की ऑडिट मैटर वाली चीजें, की ऑडिट मैटर, कोई अगर चीज अगर ऐसा मैटर है जो की ऑडिट मैटर में भी जाता है ईएमपी में, तो की ऑडिट मैटर में लिखो, की ऑडिट मैटर में जो चीजें कवर होती है वो ईएमपी में मत डालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है वो ईएमपी में मत डालो, गलतियों के लिए नहीं है। जो चीज की ऑडिट मैटर में कवर होती है उसको यहां मत लो, जो गलतियां है वो भी यहां मत लो। क्या लिखते हैं इसके अंदर कंटेंट, सिंपल सा, एम्फसाइज ऑफ मैटर का हेडिंग आता है, एम्फसाइज ऑफ मैटर, एम्फसाइज ऑफ मैटर का हेडिंग आता है, उसमें समझाते हैं हम जिस चीज को हाईलाइट कर रहे थे अमेलगमेशन को, और डिटेल चाहिए तो उस नोट का रेफरेंस जाके पढ़ो, ठीक है? और क्लियर कट बताते हैं, अरे हम सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, वी आर नॉट मॉडिफाइंग और ओपिनियन, गलत है ऐसा नहीं बता रहे, गलती है ऐसा हम नहीं बता रहे, ठीक है? क्विकली कंपैरेटिव्स, लास्ट थिंग, 700 सीरीज खत्म हो जाएगी। पिछले साल का जो डेटा दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कंपैरेटिव्स बोलते हैं। पिछले साल का डेटा कितने डेप्थ में दिया जाएगा, कितने डेप्थ में दिया जाएगा, कितने डेप्थ में वो डेटा दिया जाएगा, कितना उसका इम्पोर्ट, कितने डेप्थ में वो डेटा दिया जाएगा, कितना उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है हमारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए 710.03 एक्स्ट्रा नोट्स में, वो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है। अगर उसको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब पिछले साल का अपना एक अस्तित्व है, बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस है, मतलब इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसी भी बता रहे, पिछले साल की भी अकाउंटिंग पॉलिसी बता रहे, इतना डिटेल है। अगर ऐसा है तो मतलब वो अपने आप में एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। ऐसे केस में इंट्रो और ओपिनियन में, ऐसे केस में इंट्रो और ओपिनियन में हम दोनों को रेफर करते हैं, इंट्रो और ओपिनियन में दोनों को रेफर करते हैं, करंट ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर। अगर उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में पांचों सालों को डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस है, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब इट इज नॉट अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच बोलते हैं। ऐसे इसमें हम लोग सिर्फ करंट ईयर को रेफर करते हैं इंट्रो और ओपिनियन में, जो हमारे इंडिया में शेड्यूल 3 के हिसाब से सिर्फ करंट ईयर को हम रेफर करते हैं हर जगह पे। तो दोनों सालों को रेफर करोगे दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, सिर्फ करंट ईयर को रेफर करोगे दैट इज अ करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच। ये दो अलग अलग अप्रोच होते हैं, अलग अलग अप्रोच होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसको चेक करना बहुत आसान है, चेक करना बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल टू गो एंड चेक इट, बेसिक इवैल्यूएशन, जाके आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़िए कि पिछले साल की जानकारी कितने डिटेल्स देने चाहिए, और देख लीजिए उतने डिटेल्स दिए हैं क्या, दैट्स इट, कितने डिटेल्स देने चाहिए थे और देख लीजिए उतने डिटेल्स दिए गए हैं क्या,
करेक्ट, वो आपको देखना है सबसे पहला पॉइंट। फिर देखना है पिछले साल के लेजर से, पिछले साल के लेजर से इस साल बराबर कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, डेटा मैच हो रहा है ना। बहुत सिंपल सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से डेटा है, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले साल से डेटा मैच हो रहा है, वेरी गुड। अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी तो बढ़िया। नहीं होंगी तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर है ना, क्या पॉलिसी चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, क्या डिफरेंस है। बस सिंपल सिंपल सी तीन बातें, बेसिक चेकिंग है ये, बेसिक इवैल्यूएशन। अगर ऑडिटर को उसमें गलतियां नजर आती है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट नजर आते हैं, फिर ऑडिट प्रोसेस बढ़ाओ, फिर जितनी चाहे उतनी ऑडिट प्रोसेस बढ़ाओ। पिछले साल की वर्किंग्स निकालो, पिछले साल के रिकॉर्ड्स निकालो, वर्किंग निकालो, पूछताछ करो, जितनी जाए उतनी इनडेप्थ चेकिंग करो, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालो। फिर तो अगर पॉसिबल गलती मिली तो छोड़ते नहीं हम, गलती मिली तो घुस जाओ, फिर तो पूरी मेहनत पूरी ताकत लगा दो। अगर एडिशनल प्रोसीजर क्या है, अगर गलती लगती है तो, और अगर पिछले साल में गलती मिलती है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिट हो पिछले साल का ऑडिट करने के बाद अगर गलती मिलती है, तो ऐसे 560 भी लगता है सबसिक्वेंट इवेंट्स। ऑडिट करने के बाद अगर गलती मिलती है, ऑडिट करने के बाद, ऑडिट करने के बाद अगर गलती मिलती है, ऑडिट करने के बाद अगर गलतियां मिलती है, ठीक है, तो उससे कैसे डील करना है, ऐसे 560 में। बस आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ठीक है, ध्यान देंगे। जनरली करस्पॉन्डिंग फिगर्स में हम लोग सिर्फ करंट ईयर को फोकस करते हैं, इंट्रो में करंट ईयर, ओपिनियन में करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर पे रेफरेंस देते, पिछले साल में हम रेफरेंस नहीं देते, वी डोंट गिव रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस कब दिया जाता है वो आपको बता रहा हूं, तीन सिचुएशंस में, तीन सिचुएशन में रेफरेंस दिया जाता है पिछले साल को। नंबर वन, सपोज पिछले साल का जो ओपिनियन है वो क्वालिफाइड था, क्वालिफाइड था, एडवर्स था, रिस्क, मतलब पिछले साल गलतियां है ऐसे बताया गया था, पूरी दुनिया को बताया गया था पिछले साल में गलतियां है, सबको बताया था पिछले साल गलती है। अगर इस साल वो रिजॉल्व कर लेते तो बहुत बढ़िया, ठीक करे तो बहुत बढ़िया भाई, अच्छा हो गया, ठीक है, रिजॉल्व करते बहुत बढ़िया, तो हमको कोई पिछले साल में पिछले साल का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो रिजॉल्व नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, अगर वो रिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो पिछले साल का नहीं करते, हम तो देखना पड़ेगा इस साल पे इम्पैक्ट है क्या। जैसे पिछले साल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, तो पिछले साल का डिप्रिसिएशन भी गलत है, ओपनिंग बुक वैल्यू गलत है, इस साल का डिप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगा, तो बताना पड़ेगा। यस, रेफर बोथ करंट ईयर, करंट ईयर में भी गलती है, पिछले साल में भी गलती है। लेकिन अगर ऐसा है कि सिर्फ पिछले साल में गलती है, इसका इम्पैक्ट नहीं, पिछले साल लॉटरी इनकम को सेल्स में डाल दिया था, तो हम सिर्फ बताएंगे कि पिछले साल में, अभी भी मॉडिफाई कर बताएंगे पिछले साल में गलती है, हम बताएंगे लोगों को पिछले साल में गलती है, इस साल में कोई गलती नहीं है, इस साल के फाइनेंशियल में कोई गलती नहीं है, हमने लेकिन फिर भी मॉडिफाई किया और आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि कंपेरेबिलिटी गलत हो रही है, पिछले साल का सेल्स का कंपैरिजन करंट ईयर के सेल्स से गलत हो रहा है, तो बहुत आसान है। ऐसे हम पिछले साल को रेफर नहीं करते, लेकिन अगर पिछले साल में गलतियां थी, प्रॉब्लम्स थे, पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर था, ठीक है, और उसका इफेक्ट करंट ईयर पे भी आ रहा है, तो बताना पड़ेगा कि करंट ईयर और पिछले साल गलत है। अगर सिर्फ पिछला साल गलत है तो भी हम बताते हैं कि पिछले साल गलत है, क्यों, क्योंकि उसका कंपैरिजन करंट ईयर से गलत हो रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। दूसरा ऑडिट करते वक्त इस साल ऑडिट करते वक्त हमको गलतियां पता चली, अरे क्या बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता थी ये गलती, किसी को नहीं पता थी, पिछले साल भी किसी को नहीं, इस साल हमको पिछले साल की गलती पता चली। अब ये गलती लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ये गलती लोगों को तक पहुंचाना जरूरी है कि पिछले साल में गलती है, इसलिए हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसलिए हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि पिछले साल में गलती है, क्योंकि पहली बार लोगों के सामने ये आने वाला है। और तीसरा, ठीक है, अगर पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है तो ये बात भी बतानी पड़ेगी, ऑडिट नहीं हुआ है, नॉट ऑडिटेड किसी, तो हमको बताना पड़ेगा कि पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड। चिंता ना करें, हमने ओपनिंग बैलेंस को चेक किया 510 के हिसाब से, सिर्फ आपको बता रहे कि पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए, तब हम रेफरेंस देते हैं। तो ये तीन सिचुएशन में, पहले से गलतियां पता हो तब भी रेफरेंस देना पड़ता है, गलती मिली इस बार हमको लोगों को बताना पड़ेगा तब भी रेफरेंस देना पड़ता है, और पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है तब भी रेफरेंस हमको देना पड़ता है।
700 सीरीज भी हमने आई अंडरस्टैंड फास्ट हमने कवर किया, लेकिन मेरी बात सुनिए, ये बात सुनेंगे, ये क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी पढ़ने के लिए। खत्म करते उसको यहाँ पे। आज हमारा और एक सेशन रहेगा जिसमें हम लोग सिर्फ न्यू कोर्स के चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है और इससे आप समझ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे